हेलो दोस्तों, वैसे तो ये चैनल मेरी मम्मी का है जो कि 75 ईयर्स ओल्ड है और उन्हें कविता पढ़ना बहुत पसंद है। मैं अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं आपको आचार्य चाणक्य की तीन चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि हर इंसान को पता होना चाहिए। अश्विनी पराशर की बुक चाणक्य नीति के मुताबिक चाणक्य नीति शास्त्र छठवें अध्याय में आचार्य चाणक्य ने बताया है इन लोगों को गधे से कौन सी तीन सीख लेनी चाहिए। पहली बात, आलस्य का त्याग करें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस तरह गधा अधिक थका होने पर भी बोझ ढोता रहता है, आलस्य नहीं करता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस्य ना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। दूसरी बात, बदलते मौसम से ना डरें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस तरह गधा हर मौसम में और हर स्थिति में अपना काम कर लेता है, उसी तरह इंसान को भी मौसम के सर्द और गर्म होने से अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मौसम के सर्द और गर्म होने से अपने कर्तव्य से विचलित होता है तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तीसरी बात, संतोष के साथ आगे बढ़े। आचार्य चाणक्य ने कहा है जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर भी कहीं भी चर लेता है, उस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोष रखना चाहिए। व्यक्ति के फल की चिंता किए बिना संतोष के साथ काम करना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। तो ये तीन बातें दोस्तों आप अपनी जिंदगी में याद रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।